नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हमारे आज के बिग बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं जनपद की 3 बड़ी और खास खबरें। तो हमारे बिग बुलेटिन की पहली खबर है, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी के निर्देशन में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने अपने सर्किल में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में संभ्रांत व्यक्तियों व धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। इसी क्रम में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ चौकन्ना। जनपद के थाना कमालगंज में बैठक के दौरान मंदिर व मस्जिद में लाउडस्पीकर को लेकर दोनों धर्मगुरुओं के साथ बात की गई और कोर्ट के आदेश मानने के लिए कहा गया, जिससे बताया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज़ धर्मस्थल परिसर के बाहर न जाने पाए, जिसमें धर्म गुरुओं के साथ संभ्रांत लोग भी ने भी भाग लिया। तो आइए अब सुनते हैं बिग बुलेटिन की दूसरी खबर। दरअसल बीते दिन कमालगंज में निजी अस्पताल व क्लिनिकों पर हुई कार्रवाई को देखते हुए यहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों में खौफ का माहौल है। इसी के चलते मात्र ड्रग इंस्पेक्टर के आने की मात्र एक सूचना पर मेडिकल स्टोरों के शटर गिर गए। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर मालिकों ने धड़ाधड़ शटर गिराकर ताले डालकर इधर उधर जाकर खड़े हो गए। इससे साफ जाहिर है कि बीते दिन हुई स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से कस्बा कमालगंज में दहशत का माहौल है। और जैसे ही मेडिकल स्टोर वालों को ये भनक लगी कि ड्रग इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, बस इतनी खबर से ही मेडिकल स्टोर मालिक ताला लगाकर छू मंतर हो गए। कस्बा कमालगंज में नाम मात्र को कुछ गिने चुने मेडिकल स्टोर ही खुले रहे। अब खुले हुए मेडिकल स्टोरों से या तो दस्तावेज मजबूत हैं या फिर सरकार में पकड़। खैर, कस्बा कमालगंज में दुकानदारों को दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है, एक तो स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई और दूसरी अतिक्रमण अभियान। तो वहीं दुकानदारों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अतिक्रमण रोड के 20 से 55 फीट इधर और 55 फीट उधर अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसकी वजह से कस्बे के दुकानदार या यूं कहें कि सभी व्यापारियों सहमे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे बिग बुलेटिन की तीसरी खबर में थाना राजेपुर क्षेत्रांगत हुई लूट की घटना के संबंध में आप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी से सुनिए। ये आज शाम को करीब 6:15 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजेपुर के अंतर्गत जो नाके की पुलिया है बरखापट्टी के पास में, वहाँ पर सुरेश चंद वर्मा और उनके बेटे सुमित वर्मा, जिनकी कि राजेपुर सलेमपुर में एक छोटी सी सुनार की दुकान है, वो जब वापस मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे तभी नाके की पुलिया के ऊपर एक बाइक ने उन्हें ओवरटेक किया, जिस पर 3 लोग सवार थे और उन्होंने उनको रोका और उनका जो पिट्ठू बैग था वो छीन कर उससे वो वहाँ से भाग गए। इसके संबंध में तुरंत से मौके पर जाकर वहाँ पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया, वादी से बात की गई और वादी से तहरीर प्राप्त कर इसमें FIR दर्ज की जा रही है और इसके अंदर अभी 4 टीम लगा दी गई है और जल्दी ही इस घटना का अनावरण किया जाए।